और ईगो का मसला नहीं बनाना चाहिए। अफसार आलम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अफसार आलम साहब, आप क्या समझते हैं, जैसे कि नदीम साहब भी जिक्र कर रहे हैं कि वाहिद ऑप्शन फिर यही है कि अगर फैसला मुतराजा नहीं करना तो फिर सिर्फ और सिर्फ फुल कोर्ट बनाया जाए, क्या और कोई ऑप्शन नहीं आपके ख्याल में, और क्या ऑप्शन हो सकते हैं? रैशनल ऑप्शन तो यही है जी, जो समझदारी का ऑप्शन है और जिससे ये तनाजा खत्म हो सकता है, वो ऑप्शन तो सिर्फ यही है। और इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट खड़ी है सुप्रीम कोर्ट के 3 या 8 जजेस के सामने, तो और उसका यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं। और इसमें जाहिर है सुप्रीम कोर्ट अपने आप को खुद इस पंजरी में लेके आई है, उन्होंने एक्सेसी मसले को उठाया, उन्होंने आर्टिकल 63A को रीराइट किया, उन्होंने ये फैसला नहीं किया कि असेंबलियां किसके कहने पर डिजॉल्व की गई थी। इमरान खान खुद कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने मशवरा दिया था, अगर आर्मी चीफ के कहने पर साबिक वजीर आजम 1-2 सूबाई असेंबलियों के जो चीफ एग्जेक्टिव हैं, चीफ मिनिस्टर ने उनको इंस्ट्रक्शन देखा है कि आप असेंबलियां डिजॉल्व कर दें, तो वो क्यों क्या वजूहत थी जिस वजह से असेंबली डिजॉल्व की गई, और इसमें सिर्फ एक पार्टी की नुमाइंदगी तो नहीं थे, तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी होती है। तो इस तरह आज शेरी ये डिसीजन होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, जिसकी जस्टिस फैसल मुमल्ला ने ये बात बहुत तफसील से तो नहीं, लेकिन उन्होंने अपने साथियों ने ये कहा है कि पहले ये फैसला होना चाहिए कि सामने के डिजॉल्व करने की वजूहत क्या है और क्या वजूहत जल्द है नहीं, उसके बाद फिर वो जो फैसला है ये 3-4 का है, 3-2 का है, ये 4-3 का है, ये एक और तनाजा है। तो इन सब तनाजात का हल जो है वो यही है कि फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए, क्योंकि आज तक जब से मौजूद चीफ जस्टिस हैं जो कभी फाइव साहब को हर अहम तरीन बेंच से अलग रखा गया है, इस तरह जस्टिस तारिक को भी हर अहम केस से अलग रखा गया है, बाहर रखा गया बेंच में से, जितने दूसरे सीनियर जजेज हैं, यही आप टीवी हैं, मंसूर अली शाह हैं, ये सबको इसकी वजह कुछ समझ नहीं आ रही था इसके कि शायद कोई जाती मसला है इन सीनियर तरीन वजह से, और जो काजी फाइसा के अगले चीफ जस्टिस भी होंगे, तो इसलिए उनके साथ इस तरह पिछले कई सालों से जो सलूक किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उससे लोगों से बहुत आते जाते हैं। लेकिन अफसार साहब, यहाँ तो चीफ जस्टिस साहब खुद ये रिमार्क दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सियासी मामलात ने अदालत का माहौल आलूदा कर दिया है, तो फिर वो क्या चाह रहे हैं, वो क्या रास्ता अपनाना चाह रहे हैं? नहीं तो ये लेट विजडम कहाँ से आई है मौजूद चीफ जस्टिस को, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, तो छोटी मोटी पोजीशन पे नहीं है, सबसे अहम वो पोजीशन है, वहाँ जिंदगी मौत के फैसले होते हैं, उन्हें पहले नहीं पता था कि ये सियासी मुकदमा के जब वो सो मोटर लेंगे दो मुतनाज़ जजेस के कहने पर, उनके रिटन ऑर्डर पर अगर वो सो मोटर लेंगे सियासी मसलों पर, तो उसके असरात तो यही होने थे ना, ये कोई जबरदस्ती कोई अपील तो नहीं उनके पास कहीं से नीचे से सिविल जज से और सेशन जज से और हाईकोर्ट से और हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच से खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी, ये तो सो मोटर था, अपनी उनकी स्वाबदीप पे था, क्यों लिया उन्होंने अपनी स्वाबदीप पे ये जो तनाजा था, उनको तो किसी ने फोर्स तो नहीं किया ना, बेटे इनकार कर देते, कहते मैं नहीं सो मोटर चले, इसीलिए तो ये नया कानून बना है जिससे तमाम सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट के बार बार कह रहे हैं कि सो मोटर का इख्तियार किसी फर्द वाहिद के पास नहीं होना चाहिए, इंपीरियर कोर्ट लगती है, क्योंकि फर्द वाहिद कहीं भी असल कुल नहीं हो सकता, चाहे वो कितने भी बड़े होते पे हो। इसीलिए ये बात बार बार कही जा रही है कि इस इतने बड़े कानून को, इतने बड़े हक को इस्तेमाल करने के लिए एक से ज्यादा दिमाग की जरूरत है, तो क्या इस कानून को इस्तेमाल करने की यहाँ जरूरत है भी या नहीं, तो ये एक से ज्यादा लोग बैठ के फैसला करेंगे। इससे भी जो मुजाहमत आ रही है वो मौजूदा मुआवजा चीफ जस्टिस की तरफ से आ रही है, उन्होंने ये एक टुकड़ी जो बेंच है उन्होंने उस कानून को भी मुअत्तल कर दिया है जो पार्लियामेंट का एक्ट है, तो ये और वो अभी नाफिज भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही कर दिया था, तो इतना फर्द वाहिद के पास जो इख्तियार का जमा होना है वो नुकसानदेह है, वो इसीलिए हमारे आइन की रूह के खिलाफ है, उसके खिलाफ है, यहाँ जहाँ पे तो 3 इदारों में ताकत का इतकाब नहीं होने दिया गया, 3 इंस्टीट्यूशन में, 3 पिलर में, ट्रैकॉफनी ऑफ पावर है हमारे आइन में, तो जब आइन में इदारों के लिए ट्रैकॉफनी ऑफ पावर है, तकसीम है इख्तियार की, तो एक इदारे के एक हेड के पास उसका इतकाब कैसे हो सकता है, ये बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल और फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है जिसका जवाब देना इन तमाम मौजूद जजेस पे फर्ज है, और अगर वो जवाब नहीं देते और अपनी जिद पे कायम रहते हैं
तो फिर जाहिर है क्या कि किस तरह के ये पेज जजेस आर द पेजेस ऑफ द सोसाइटी। सबसे बेहतर इंसान जो सोसाइटी के होते हैं वो जजेस होते हैं जो अपने जाति बुक्स और अनाज के पास होते हैं। तो क्या ये ऐसा है मौजूदा वक्त में या नहीं है, इस सवाल का जवाब मैं वो खुद ही देते हैं। अफसर आलम साहब, ये मुकालमे का जिक्र कर रहे थे हमारे नुमाइंदे जुल्करन इकबाल, और इस हवाले से जब बात हुई अटर्नी जनरल की जानिब से कि अदालत बेंच बढ़ाने पर गौर करे, तो उस पर चीफ जस्टिस साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि बेंच की तादाद कम भी की जा सकती है। इस रिमार्क्स पर आप क्या कमेंट करेंगे? मैंने बिल्कुल नैन साहब से सुना है जो उन्होंने अदालत की कार्रवाई बताई है। इस रिमार्क्स पर मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो एक अदालत को या सुप्रीम कोर्ट को या चीफ जस्टिस को ये बात तो नहीं कहनी चाहिए ना कि अगर आपके सामने जो पार्टीज आई हुई हैं, जो दोनों फ्री कहने हैं, अगर उनमें से कोई एतमाद नहीं कर रहा तो जज को इस बात की कम अज कम एहतराम और इज्जत तो करना चाहिए ना कि किस वजह से कर रहा है, चाहे वो गलत फहमी हो चाहे उनका जस्टिफाइड ना भी हो स्टैंड। लेकिन दूसरे केसेस में हम देखते हैं कि चीफ जस्टिस साहब के मयार इधर दूसरी तरफ अलग हैं इधर अलग हैं। अभी एक अब मैटर देख रहा था और दुर्गा नैन ने भी बताया कि उन्होंने कहा कि जो जजेस का फैसला होता है वो अदालत का फैसला होता है, वो जजेस का नहीं होता। तो क्या ये रूल काजी फाइज साहब के लिए नहीं है? उन्होंने एक फैसला दिया काजी फाइज साहब ने कि 100 मोटर्स नहीं ले सकते अब जब तक के कानून इंप्लीमेंट नहीं हो जाता। उन्होंने पाबंदी लगा दी 100 मोटर केसेस को लेने पे। आपको याद होगा हाफिज़ कुरान वाले केस में, तो उसके अगले ही दिन 8 मेंबर बेंच बना के उनके फैसले के खिलाफ फैसला आ गया, क्योंकि काजी फाइज साहब ने जो फैसला दिया था 100 मोटर पे पाबंदी लगा दी थी। क्या वो हम अदालत का फैसला ना समझें, हम उसे एक जज का फैसला समझें? लेकिन अगर और कोई बेंच जिसको चीफ जस्टिस साहब बनाए और जिसमें जाहिर अली नकवी साहब भी मौजूद हों, जिनकी टेप लीक हुई हो, जिसमें इल्जाम लग रहे हो उनके किफला बंदे का केस आप सुने और वही केस वो सुने भी, इससे ज्यादा और क्या एविडेंस हो सकता है? तो फिर भी उनको डिफेंड किया जाए लेकिन काजी फाइज साहब को डिफेंड ना किया जाए, तो क्या ये जो बातें पाकिस्तान बार काउंसिल कर रहे थे प्रेजिडेंट ने करनानी ने की हैं कि मौजूदा चीफ जस्टिस साहब अपने ओहदे में तोसी चाहते हैं और इसलिए वो काजी फाइज साहब का रास्ता रोकना चाहते हैं चीफ जस्टिस बनने के लिए, तो क्या ये बात फिर दुरुस्त समझी जाए जिस तरह की हम रिमार्क और जिस तरह की प्रोसीडिंग्स कोर्ट से आ रही है और हम सुन रहे हैं? ये मेरा आपसे काउंटर क्वेश्चन है और अगर अदालत तक पहुंचे तो उनका जवाब मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। सही सही ठीक है। आप हमारे साथ इस वक्त किरण नाथ साहिबा भी मौजूद हैं, उनको भी हम शामले गुफ्तगू करते हैं। किरण नाथ साहिबा, अगर आप हमें सुन सकती हैं तो मैं इसी मामले पर, इस अहम मामले पर आपसे ही बात करना चाहता हूं और आपका तजिया चाहता हूं कि ये आम मामला और हम देख रहे हैं कि मुसलसल मुतनाज़े होता जा रहा है, आज अहम रिमार्क्स भी सामने आए चीफ जस्टिस की जानिब से, आप इस पूरे मामले को कैसे देख रही हैं, क्या कमेंट करना चाहती हैं? तो ये आपका सामनेकुम होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान के इस पर जितने भी बड़े बड़े इदारे हैं वहां पर जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं उनको अपनी बड़ी बड़ी अनाओं को नीचे करके इस पर पाकिस्तान के मफाद में बड़े बड़े फैसले करने चाहिए। लेकिन इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल मुसलसल बनती जा रही है कि वो चाहे इस तरफ मामले को देखें या पार्लियामेंट में मामले को देखें या दीगर बड़ी सियासी जमातों के मामलात को देखें, तो इस वक्त सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ एक बंद गिरी में जाती हुई दिखाई दे रही है और सिर्फ टकराव की सी सूरत हाल नजर आ रही है। एक मुख्तलिफ चीज हो जानी चाहिए थी, आज एक पार्लियामेंट में तौहीन पार्लियामेंट के मामले पर भी बात होनी है, दूसरी तरफ ये एक अहम रिमार्क्स है। सबसे पहले तो सवाल ये उठाया जा रहा था कि अगर ये प्रोसीजर बिल आ रहा है, बहुत सारे जो हुकूमती लोग थे वो ये कह रहे थे कि भी ये बहुत अच्छा बिल है, ये बहुत बेहतर बिल है, और हम बार बार इसके टाइमिंग्स पर सवाल उठा रहे थे कि अगर ये बेहतर है तो इसके टाइमिंग उसकी दुरुस्त है, क्योंकि एक तरफ जब आप देखते हैं कि तमाम इदारों में एक टकराव की जो सूरत हाल पैदा हो रही है, तमाम तरफ से इस तरह के रिमार्क्स आ रहे हो या इस तरह की चीजें आ रही हो जिससे आप एक सिचुएशन ना सचीजा कर पा रहे हो कि आगे जाकर क्या बनेगी, क्या कोई टकराव की सूरत हाल तो नहीं पैदा होगी, तो उस वक्त ये जरूर एक क्वेश्चन मार्क बनता था। लेकिन अभी जिस तरह के रिमार्क्स सामने आ रहे हैं तो ऐसा महसूस तो नहीं होता कि इतने आराम से इस मामले के अंदर से निकला जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से मौजूद अदालत की तरफ से आज के स्टेटमेंट सामने आए तो सिचुएशन मुझे ऐसा लगता है कि ये और ज्यादा टकराव की तरफ जा रही है। देखना होगा आगे कि अब हुकूमत की जानिब से जो आज तौहीन पार्लियामेंट पर इस तरह निकाती एजेंडा है, इस पर डिस्कस होना है, इस पर बात होनी है, वहां से क्या चीज सामने आती है, क्या वहां पे कोई क्लैरिटी हमें दिखाई देती है, या फिर जो अदालत की तरफ से रिमार्क सामने आ रहे हैं उसके बाद
क्या कोई मुख्तलिफ सूरत हाल बनती है तो अभी महसूस ऐसा नहीं हो रहा है। मलिक साहब की बात से मैं अच्छी करती हूँ, जो पाकिस्तान के लिए मामला होने चाहिए थे, लेकिन इस वक्त सिर्फ और सिर्फ टकराव की सूरत हाल पैदा हो रही है जो कम अज कम मुल्क के लिए अच्छी नहीं है। इस टकराव की सूरत हाल पैदा नहीं होनी चाहिए और ये मुल्क के लिए अच्छी नहीं है। किरण साहब बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुल्कन इकबाल भी हमारे साथ मौजूद थे और हमें तफसील आगा कर रहे थे इस समात के हवाले से। जुल्कन आपका भी बहुत शुक्रिया।